11 अक्टूबर की रात रेलवे स्टेशन रोड हरतला निवासी दरोगा जाकिर हुसैन के घर में हुई चोरी का खुलासा करते हुए दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से दरोगा के यहां से चुराए गए 4,50,000 रुपए की कीमत के जेवर बरामद किए हैं। बदमाशों का तीसरा साथी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल हो गया। पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। घटना का खुलासा करते हुए SP क्षेत्र अधिकारी सिविल लाइन ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में नसीर और कादिर निवासी ग्राम अतरोली थाना बनेठे जनपद संभल को देर रात झंझारपुर अमृत राय के पास से गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इस दौरान बदमाशों का तीसरा साथी उस्मान निवासी जयंतीपुर थाना मंजोला फरार होने में कामयाब हो गया। पकड़े गए बदमाशों में पूछताछ के बाद दरोगा के घर चोरी की घटना को अंजाम देने की बात को कबूल किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया गया है कि पूरा मामला। इस पूरे प्रकरण में देखा गया है कि ये दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये संबंधित हैं दो मामलों से। एक दोनों चोरी के मामले हैं, सिविल लाइन थाने के मामले हैं। एक लिखा गया था 1044/19 और इनके वादी थे जाकिर हुसैन, और जो दूसरा प्रकरण था जिनके घर से चोरी हुई थी उनका नाम था दिनेश चंद आर्य। ये दोनों चोरियों में जो लगभग जो चोरी हुई थी वो 4 से 5 लाख की हुई थी, और जो हम लोगों ने जो रिकवर किया है इसमें 4.5 लाख का तो जो माल है जिसमें ज्वेलरी वगैरह थी वो 4.5 लाख की ज्वेलरी रिकवर करी है, 15,000 का कैश रिकवर किया है, इसके अलावा एक बाइक और दो तमंचे। सर, क्या कोई पुराना आपराधिक इतिहास भी है? हाँ, इन दोनों जो अभियुक्त जो पकड़े गए हैं, जो गिरफ्तार किए गए हैं, इनका आपराधिक इतिहास है। कुल जो अभी तक हमारे पास इतिहास आया है वो 4 मामलों का आया है। इसके अतिरिक्त इन दोनों का कबूलना है कि इनकी और भी जगह और भी कुछ चोरियाँ हैं, वो आगे खुलासा होगा। सर, मुझे मुरादाबाद में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे, इससे बाहर भी अंजाम। इन्होंने पहले चोरियाँ अजमेर की तरफ से भी की हैं, इन्होंने यहाँ पर भी की हैं, और यूपी में इसके अतिरिक्त और भी जिले हैं जहाँ पे यूपी में इन्होंने चोरी करना बताया है। सर, क्या इनकी निशानदेही पे और भी कोई गिरफ्तारी वगैरह करी जाएगी? इस चोरी में ये लोग 3 थे, इसमें से 2 लोगों ने जो चोरी की थी वो पकड़े गए हैं। जो एक जो रेकी कर रहा था लड़का, वो अभी तक वो हमें उसकी लोकेशन पता चली है। इसके बाद में हम लोग जल्दी से जल्द जो तीसरा है उस्मान, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको गिरफ्तार कर लें।